एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड मतलब होता है अंतर्निहित। ए जनरल पर्पस डिफिनेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम इज दैट दे आर डिवाइसेज यूज्ड टू कंट्रोल, मॉनिटर और असिस्ट द ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट, मशीनरी और प्लांट। मीन्स जब दो फ्रेंड्स, जब कोई आप प्रोजेक्ट बनाइएगा, तो जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाइएगा तो वो आप चाहिएगा कि वो आपके मुताबिक ऑपरेट हो, आपके मुताबिक वह कंट्रोल हो। आप जैसा चाहते हैं आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल वैसा ही आउटपुट दे। तो इसका मतलब यही है कि जब कोई आप प्रोजेक्ट बनाइएगा तो वो कंट्रोल हो, मॉनिटर हो, असिस्ट द ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट, मशीनरी और प्लांट। बड़े बड़े प्लांट में, बड़े बड़े इंडस्ट्री में भी एम्बेडेड सिस्टम का यूज होता है, एम्बेडेड का यूज होता है। एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है ना, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हार्डवेयर क्या होगा, जो हमारा एक्सटर्नल सर्किट्स हो गए हैं वो हमारा हार्डवेयर हो गया, हमारा माइक्रोकंट्रोलर हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर क्या हो गया, सॉफ्टवेयर जो हम कोडिंग किए वो तो हमारा सॉफ्टवेयर रहेगा। उस कोडिंग को हम इनबिल्ट कहाँ करेंगे, माइक्रोकंट्रोलर में। तो वह जो हमारा माइक्रोकंट्रोलर है वो मेरा हार्डवेयर हो गया। इसलिए हम इसको बोलते हैं एन एम्बेडेड सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क और फंक्शन। यहाँ है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब किसी पार्टिकुलर टास्क को ही परफॉर्म करे। स्पेसिफिक मतलब किसी पार्टिकुलर टास्क, जैसे हमारे रूम में फैन लगा हुआ है तो हमारा एम्बेडेड सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन जब हम उसे रिमोट के थ्रू ऑन या ऑफ कर रहे हैं तो वो क्या हुआ, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा है। जैसे ही रिमोट से हम ऑन किए तो मेरा फैन ऑन हो जाए, जैसे ही रिमोट से ऑफ किए तो हमारा ऑफ हो जाए। तो किसी पार्टिकुलर टास्क को ही ये परफॉर्म कर रहा है, वो एक बार सिंगल टास्क होता है, या एक वन एट ए वन टाइम एट ए टाइम वो सिंगल टास्क ही यह परफॉर्म करेगा। इट इज़ ए रियल टाइम ऑपरेशन। रियल टाइम ऑपरेशन मीन्स जैसा ही हमने रिमोट से ऑन किया तो फैन चलने लगा, तो ये क्या हुआ कि एक्शन का तुरंत रिएक्शन दे, मतलब इट इज़ रियल टाइम ऑपरेशन, एक्शन का तुरंत रिएक्शन दे। हम जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे वह जैसा ही हम उस पर कुछ एक्शन दें वो उसका जस्ट रिएक्शन दे, तो वो हो गया इट इज़ रियल टाइम ऑपरेशन। ब्लॉक डायग्राम ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम में क्या, सीपीयू होते हैं, मेमोरी होते हैं, कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस लगे होते हैं। इनपुट हम कुछ देख लेते हैं कहाँ है, आउटपुट में क्या लगा सकते हैं, मेमोरी एलिमेंट लगे होते हैं, सीपीयू है, हम जो भी कोडिंग करेंगे वो कहीं ना कहीं स्टोर तो होगा, उसके लिए मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कॉन्टेंस डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इन इट। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट द प्रोग्राम विच वी राइट टू ऑपरेट द हार्डवेयर। जो हार्डवेयर के थ्रू ऑपरेट हो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट्स विच कंटेन्स ओनली सीपीयू इनसाइड इट्स चिप, मेनली एंड अदर पेरिफेरल्स आर कनेक्टेड एक्सटर्नली। माइक्रो प्रोसेसर में क्या होते हैं ना कि एक्सटर्नली बहुत सारे पेरिफेरल्स कनेक्टेड होते हैं। रोम, आप जब अपने लैपटॉप को कभी खोले होंगे तो आप देखे होंगे पीछे में मेमोरी का स्लॉट बना होता है, तो आप क्या करते हैं उसमें एक्स्ट्रा मेमोरी ऐड कर सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर हमारे लैपटॉप में इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, इंटेल कंपनी माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, i5, i7, i3, i4, ये सब जनरेशन है माइक्रो प्रोसेसर के। एग्जाम्पल में आ गया 8085, 8086। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर इज ए ट्रू कंप्यूटर ऑन ए चिप। ए कंट्रोलर इंक्लूड्स ए सीपीयू, कोर मेमोरी फॉर द प्रोग्राम, रोम मेमोरी फॉर टेम्पोरी स्टोरेज डेटा, रैम वन और मोर टाइम्स एज वेल एज इनपुट आउटपुट लाइंस टू कम्युनिकेट विथ एक्सटर्नल पेरिफेरल्स एंड कम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेज। इट्स ऑल इन ए सिंगल चिप। एग्जाम्पल 8051 माइक्रो कंट्रोलर। मतलब माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो एक कंप्यूटर ऑन ए चिप, वो एक चिप होता है, और जो मतलब हमारे कुछ मेमोरी स्लोट, कुछ काउंटर्स, टाइमर एंड काउंटर्स, कुछ इनपुट आउटपुट लाइंस जो कम्युनिकेट करते हैं एक्सटर्नल पेरिफेरल से, सारे चीज़ हमारे माइक्रो कंट्रोलर के अंदर इनबिल्ट होते हैं। हम माइक्रो कंट्रोलर में एक्सटर्नली कुछ मेमोरी स्लोट आप ऐड नहीं कर सकते हैं,
वो मेमोरी स्लोट माइक्रो कंट्रोलर के अंदर पहले से ही इनबिल्ट रहते हैं कि 80 मेगा 8 में इतना बिट का रहेगा, 80 मेगा 16 इतने बिट का रहेगा। ये सब कुछ कंपनी द्वारा पहले से ही बनाया जाता है। ये एक एटमेल कंपनी द्वारा बनाया जाता है माइक्रो कंट्रोलर, 8051 माइक्रो कंट्रोलर। कुछ एग्जांपल्स हैं एम्बेडेड सिस्टम के जहाँ यूज होते हैं, टेलीफोन में टेलीविजन, सेलफोन, वॉशिंग मशीन, MP3, सेटअप बॉक्स, एग्जांपल्स हैं ये एम्बेडेड सिस्टम के। अब कंपेरिजन माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में डिफरेंस क्या है। सीपीयू इज स्टैंड्स एलोन, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट टाइमर्स आर सेपरेट। रोम में क्या होता है ना कि हमारे कैपेसिटर्स लगे होते हैं, कैपेसिटर्स लगे होते हैं, वो एनर्जी को तो स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है तो, लेकिन किस फॉर्म में करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, वही इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होता है। तो ये क्या होता है, ये रैम रोम इनपुट आउटपुट टाइमर्स आर सेपरेट। डिजाइनर कैन डिसाइड ऑन द अमाउंट ऑफ रोम रैम, मतलब अपने इच्छा अनुसार डिजाइनर डिसाइड कर सकता है कितना रैम लगाएं कितना रोम लगाएं। ये माइक्रो प्रोसेसर में है क्योंकि हम एक्सटर्नली मेमोरी स्लॉट होते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं। एक्सपेंसिव, वर्सटिलिटी, जनरल पर्पस, हाई प्रोसेसिंग पावर, हाई पावर कंजम्पशन, टाइपिकली 32 से 64 बिट हमारा माइक्रो प्रोसेसर मिलता है। माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, सीपीयू होता है, रैम रोम इनपुट आउटपुट एंड टाइमर आर ऑल इन ए सिंगल चिप। ये माइक्रो कंट्रोलर के अंदर इनबिल्ट होते हैं, पहले से ही होते हैं, एक्सटर्नली कुछ नहीं होता, ये माइक्रो कंट्रोलर के अंदर पहले से ही होते हैं। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चिप, रैम रोम इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, लेस एक्सपेंसिव, सिंगल पर्पस कंट्रोल ओरिएंटेड। यह सिंगल पर्पस होता है, एट ए टाइम वन बार में एक ही टास्क को ये परफॉर्म करेगा, यह मल्टीटास्किंग नहीं होता है, जबकि हमारा माइक्रो प्रोसेसर मल्टीटास्किंग होता है। हमारा जो लैपटॉप है वो हमारा मल्टीटास्किंग है, जबकि जो मेरे पास मोबाइल है, सेलफोन से, वो हमारा सिंगल टास्क है। तो ये सिंगल पर्पस होता है। लो प्रोसेसिंग पावर, लो पावर कंजम्पशन, टाइपिकली 8 to 16 बिट। कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर, पिक माइक्रो कंट्रोलर। पिक में क्या होता है, 5 पोर्ट होते हैं पिक में। AVR माइक्रो कंट्रोलर, एटमेल, आर्म जो मोबाइल में यूज होते हैं, सेलफोन्स में आर्म माइक्रो कंट्रोलर। AVR कंट्रोलर अल्फ विगार्ड रिस्क, डेवलप्ड इन द ईयर 1996 बाय एटमेल कंपनी। एटमेल के द्वारा ये डेवलप किया गया था। द आर्किटेक्चर ऑफ AVR वाज डेवलप्ड बाय अल्फ ईगल वोगन एंड विगार्ड। AVR वाज नेम्ड इन द नेम ऑफ डेवलपर अल्फ विगार्ड रिस्क माइक्रो कंट्रोलर, ऑल्सो नोन एज एडवांस्ड वर्चुअल रिस्क। द AVR वाज वन ऑफ द फर्स्ट माइक्रो कंट्रोलर फैमिलीज टू यूज ऑन द चिप फ्लैश मेमोरी फॉर प्रोग्राम स्टोरेज। टिल दैट द माइक्रो कंट्रोलर कम्स विथ वन टाइम प्रोग्रामल रोम। कैटेगरी ऑफ AVR, क्लासिक, टीनी AVR, मेगा AVR, स्पेशल। फीचर्स ऑफ 80 मेगा 8A, पार्ट 80 मेगा 8A, कैटेगरी मेमोरी फ्लैश, डिस्क्रिप्शन 8 किलोबाइट सेल्फ प्रोग्रामिंग फ्लैश प्रोग्राम मेमोरी, 8 किलोबाइट सेल्फ प्रोग्रामिंग फ्लैश प्रोग्राम मेमोरी, 1 किलोबाइट SRAM, 512 बाइट EEPROM, 8 चैनल। ये हम लोग यूजार्ट में यूज करते हैं, 10 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, अप टू 16 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, थ्रूपुट एट 16 मेगाहर्ट्ज। ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है इसका 2.7 से 5.5 वोल्ट। ऑपरेशन कंपनी एटमेल कॉरपोरेशन। जैसे फ्लैश मेमोरी क्या होता है ना, फ्लैश मेमोरी होता है जो डाटा को मतलब रिटेन डाटा इन द अब्सेंस ऑफ पावर सप्लाई। फ्लैश मेमोरी इज एन इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड स्टेट नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज मीडियम दैट कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज्ड एंड प्रीप्रोग्राम। जैसे डिजिटल कैमरा में हम लोग फ्लैश मेमोरी यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स में हम लोग फ्लैश मेमोरी यूज करते हैं। पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ 80 मेगा 8A, ये पिन सी का पिन बी पिन डी रीसेट ये फिक्स होता है। RX TXT ये सब यूजार्ट में हम लोग यूज करते हैं। इंटरप्ट 0, इंटरप्ट 1, इंटरप्ट में यूज करते हैं हम लोग। ये देखिए ऑसिलेटर, ये ऑसिलेटर पिन ये सब फिक्स होते हैं। ऑसिलेटर ऑसिलेटर 1, ऑसिलेटर 2, मैं बताऊंगा ऑसिलेटर क्यों यूज करते हैं, सब बताऊंगा। AVCC, ARF, ये ग्राउंड, PVSC को, मीजो, मोजो, SSC। आप जब इसका एक डेटा शीट होता है 80 मेगा 8 का और 80 मेगा 16 का एक डेटा शीट होता है, आप उस डेटा शीट को उसका PDF को डाउनलोड करके आप उसके बारे में 80 मेगा 8 के 80 मेगा 16 के बारे में और पढ़ सकते हैं। उसमें सब कुछ फुल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पिन के बारे में। 80 मेगा 16 में आइए, डेटा बस 8 बिट का होता है। लाइफ साइकिल स्टेज एक्टिव, क्लॉक
क्लॉक स्पीड 8 मेगाहर्ट्ज, मतलब कितना प्रोसेसिंग स्पीड से, कितने क्लॉक स्पीड से वह प्रोसेस करेगा। रोम टाइप फ्लैश होता है। सप्लाई वोल्टेज 2.7 से 5.5 वोल्ट होता है। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स 53। पैकेज टाइप टी क्यू एफ पी, ये टाइप होता है PDIP, बहुत सारे के टाइप होते हैं। आप उसके डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, 80 मेगा 16 के डेटा शीट को आप डाउनलोड कीजिएगा, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है सब कुछ। थ्योरी आप इसका जितना जितने इसके बारे में पढ़िएगा उतना ही कम है, क्योंकि ये एम्बेडेड सिस्टम बहुत ही वास्ट चीज़ है। अदर 14x14 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर हाइट, 0.8 मिलीमीटर पिच, प्लास्टिक, टी क्यू एफ ई, यह टाइप होता है। ऑपरेटिंग रेंज इंडस्ट्रियल, पिन काउंट 64, ऑपरेटिंग टेम्परेचर -40 to 185, फीचर्स पल्स विथ मॉड्यूलेशन PWM, पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ 80 मेगा 16। ये 80 मेगा 16 का पिन डिस्क्रिप्शन है। जो VCC, ग्राउंड, ऑसिलेटर 1, ये सब फिक्स होते हैं, रीसेट, ये सब फिक्स होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये देखें, ये क्या किया, फीचर्स ऑफ 80 मेगा 16 में क्या होता है, 16 किलो बाइट रोम होता है स्टोर प्रोग्राम, 1 किलो बाइट का रैम होता है स्टोर डेटा, 14 पिन्स होते हैं, 32 इनपुट और आउटपुट पिन्स होते हैं, 8 बिट का कंट्रोलर होता है। इसमें 4 पोर्ट होते हैं, ABCD। टाइमर एंड काउंटर जब मैं पढ़ाऊंगा तो टाइमर के बारे में मैं बताऊंगा। सीरियल कम्युनिकेशन में देखिए, 1 से 8 तक पोर्ट बी है, 1 से 8 पोर्ट बी। 9 जो है रीसेट होता है, रीसेट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि रीसेट दिस पिन इज यूज टू रीसेट द माइक्रो कंट्रोलर। जब कोई हम प्रोग्राम बना दिए तो हम चाहते हैं कि उसको हम फिर से शुरू करें, तो उसके लिए हम लोग रीसेट बटन लगाते हैं। अगर रीसेट बटन आप प्रेस कर दीजिएगा तो आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पे आप जो जो भी कोडिंग की है आपने, वो फिर से स्टार्ट होने लगता है। तो पिन 10 और 11 जो है हमारा VCC है, +5 वोल्ट, 11 ग्राउंड है, पिन 12 एंड 13 क्रिस्टल है। फ्रिक्वेंसी CPU को देने के लिए यूज किया जाता है। 30, 31, 32 एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। 14 to 21 ये डी पोर्ट डी है, ये पिन का यूज कर सकते हैं आप। 22 to 29 ये पोर्ट सी है। 40 to 33 ये पोर्ट ए है। आप इन सारे पिन का यूज आप एक्सटर्नल सर्किट के लिए कर सकते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है ना, कि जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है उसके अंदर मेमोरी के ब्लॉक बने होते हैं, वो पहले से ही इनबिल्ट रहते हैं उसमें। तो क्या होता है ना कि आपके पास 0, मान लीजिए मेमोरी ब्लॉक है 8 बिट का है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 से 7 तक है। तो इसको ही हम आपके इसको ही हम डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए यूज करते हैं, इसको ही हम पिन डिसाइड करने के लिए यूज करते हैं, इसको ही हम पोर्ट डिसाइड करने के लिए यूज करते हैं। तो डायरेक्शन कब यूज करेंगे, पिन कब यूज करेंगे और पोर्ट कब यूज करेंगे। डायरेक्शन इनपुट आउटपुट डिसाइड करने के लिए डायरेक्शन रजिस्टर यूज करते हैं। पिन कब करते हैं, जब हमको बाहर से अंदर, मतलब पिन जब यूज करते हैं, जब कोई डेटा को माइक्रो कंट्रोलर से हमको बाहर की तरफ भेजने का रहता है, जिसे हमने प्रोग्राम किया, प्रोग्राम तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर है, तो हम उसका आउटपुट देखेंगे कहाँ, तो उसके लिए हम लोग पोर्ट यूज करते हैं। अब पिन जब यूज करते हैं, जैसे स्विच लगा दिए, सेंसर लगा दिए, ये एक्सटर्नली जो डिवाइस होते हैं, ये बाहर से हम लोग माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल देते हैं, माइक्रो कंट्रोलर फिर वर्क करता है हमारे कोडिंग के अनुसार, तो उसके लिए हम लोग पिन यूज करते हैं। अब पोर्ट यूज करते हैं, पिन यूज करते हैं आउट टू माइक्रो कंट्रोलर, मतलब बाहर से अंदर, बाहर से अंदर मतलब स्विच हो गया, सेंसर हो गया, कुछ एक्सटर्नल डिवाइस है, उसको हम माइक्रो कंट्रोलर के किसी पार्टिकुलर पिन से कनेक्ट करते हैं, पिन B.5, पिन B.6, किसी भी पार्टिकुलर पिन से कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग पिन यूज करते हैं, जो बाहर से डेटा माइक्रो कंट्रोलर के अंदर डालने का रहता है। अब पोर्ट कब यूज करते हैं, पोर्ट जब करते हैं जब माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हम कोडिंग कर दिए, अब उस कोडिंग को हमें किसी आउटपुट में देखना है, चाहे LED हो, चाहे LCD हो, चाहे 7 सेगमेंट डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम लोग पोर्ट यूज करते हैं। अनसाइन करेक्टर 8 बिट का होता है, 0 to 255। अनसाइन इंटीजर 8 बिट का होता है, 0 to 65535। हैक्स में FF है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 111118 टाइम्स लिख सकते हैं, दोनों सही है। हमारा हैक्स भी बाइनरी डेसिमल तीनों फॉर्मेट लेता है। कोड विजन AVR सॉफ्टवेयर पे हम लोग काम करेंगे, दोनों बोथ आर करेक्ट। अब 80 मेगा 16 में आइए। 80 मेगा 16 में क्या होता है ना कि मान लो पिन भी 0, हम किसी पार्टिकुलर पिन को लिए हैं, तो हम चाहते हैं कि डायरेक्शन रजिस्टर में
कि किसी चार पिन को हम इनपुट बना दें और किसी चार पिन को आउटपुट बना दें। तो देखिए, मैंने चार पिन को इनपुट बना दिया। इनपुट बनाने से क्या होगा कि हम स्विच एक्सटर्नल डिवाइस लगा सकते हैं, जो इसको हम पिन की तरह यूज कर सकते हैं। स्विच बार, स्विच हो, सेंसर हो, ये सब हम लगा सकते हैं। और जो आउटपुट है, हम एलईडी, एलसीडी, ये सब लगा सकते हैं। देखिए, पोर्ट पूछने का रहेगा तब हम लोग माइक्रो कंट्रोलर से, अगर आपको पूछने का रहेगा तो हम लोग पोर्ट यूज करेंगे। पिन जब रखने का रहेगा, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर डेटा रखने का रहेगा, तो हम लोग पिन यूज करेंगे। डायरेक्शन इनपुट आउटपुट डिसाइड रखने करने के लिए डायरेक्शन यूज करेंगे। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।